नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक आवाज और मैं हूं यति आपके साथ। राजनीति में यात्राएं कोई नई बात नहीं। राहुल गांधी, प्रशांत किशोर के बाद अब बिहार के मुखिया नीतीश कुमार यात्रा पर निकलने वाले हैं। कड़ाके की ठंड के बीच 5 जनवरी से नीतीश कुमार चंपारण से अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे। नीतीश की इस यात्रा ने प्रदेश का सियासी पारा बढ़ा दिया है, लेकिन लोगों के मन में एक सवाल ये भी है, आखिर नीतीश कुमार को अभी यात्रा करने की क्या जरूरत पड़ गई? दूर दूर तक देश प्रदेश में कोई चुनाव भी नहीं है। क्या नीतीश कुमार को कोई संदेह है जिसको दूर करने के लिए वे जनता के बीच जा रहे हैं? ऐसा हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि उनके सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा है। शायद यही वजह है कि कथित रूप से प्रधानमंत्री बनने का सपना पाले नीतीश कुमार बिहार में एक बार फिर अपनी सियासी पकड़ को मजबूत करने की कोशिश में जुट गए हैं। ये तो तय है कि उनके लिए दिल्ली का रास्ता बिहार से होकर ही निकलेगा, लेकिन इस राह में कई रोड़े भी हैं। चलिए आपको हम कुछ पॉइंट हैं जिनके माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि नीतीश कुमार के लिए ये दौरा बेहद अहम क्यों है। बीजेपी से गठबंधन तोड़ने और आरजेडी से हाथ मिलाने के बाद नीतीश कुमार की सियासी खाक को बट्टा लग गया है। राजनीति गलियारों में इसे जमनत का अपमान कहा गया है। मुख्यमंत्री होने के बावजूद नीतीश कुमार कमजोर दिख रहे हैं। वे बीजेपी के निशाने पे तो हैं ही, साथ ही महागठबंधन के नेता भी उन पर हमला करने से नहीं चूक रहे। पिछले 8 साल में नीतीश कुमार 4 बार पाला बदल चुके हैं। नीतीश ने 2013 में बीजेपी से गठबंधन तोड़ा, फिर 2015 में आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाई, भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर 2017 में आरजेडी का भी साथ छोड़ दिया, फिर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई, और वहीं बीते साल 2022 में बीजेपी को छोड़कर आरजेडी में मिल गए। छपरा शराब कांड के बाद नीतीश कुमार को भारी आलोचना झेलनी पड़ी है। ऐसे में कहा जा रहा है कि वे सीधे जनता के बीच जाकर शराबबंदी पर जनमत संग्रह करेंगे, ताकि विपक्ष की ओर से लगातार शराबबंदी की समीक्षा करने के दबाव से मुक्त हो सके और आधी आबादी का सच भी जान सके कि उन्हें शराबबंदी चाहिए या नहीं चाहिए। आपको बता दें कि छपरा जहरीली शराब कांड में 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। नीतीश कुमार भरे ही सीएम हो, लेकिन उनकी पार्टी विधानसभा में तीसरे नंबर पर है। राज्य में हुए 3 उपचुनाव में उनका वोट बैंक खिसकता दिखा है। मोकामा में अनंत सिंह की पत्नी जीती, मगर ये जीत अनंत सिंह की करार दी गई। वहीं महागठबंधन को जीतने बड़ी जीत की उम्मीद थी, वैसी जीत नहीं मिली। गोपालगंज उपचुनाव में महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ा, तो कुर्नी में जदयू प्रत्याशी उतारने का प्रयोग फेल साबित हुआ। अगर पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो पता चलता है कि प्रदेश में जदयू की स्थिति कमजोर हुई है। 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में जदयू को 88 सीटें मिली थी, जो 2010 में बढ़कर 115 हो गई, लेकिन 2015 आते आते जदयू की सीट घट गई है। उस साल पार्टी को 71 सीटों की बढ़त मिली। इसके बाद 2020 में पार्टी 50 सीटों का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई और 43 पर ही सिमट गई। 2020 में विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी और बीजेपी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। दोनों पार्टियों ने 50-50 फॉर्मूले के तहत अपना उम्मीदवार उतारा था, लेकिन बीजेपी के मुकाबले जदयू को कम सीटें आई। कहा जाता है कि चिराग मॉडल से जदयू को नुकसान हुआ था। नीतीश कुमार की नजर दिल्ली की कुर्सी पर है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बता चुके हैं। हालांकि बीजेपी को घेरने का उनका प्लान अब तक फेल साबित हुआ है। अब माना जा रहा है कि नीतीश इस यात्रा के जरिए 2024 की प्लानिंग में जुटे हैं। बहरहाल नीतीश राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं, तभी तो प्रदेश की तीसरी पार्टी होने के बावजूद सत्ता में काबिज है। अब इस यात्रा से उन्हें और उनकी पार्टी को कितना फायदा होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहे लोक आवाज। धन्यवाद।